सोच सकते हो आज के युग में ट्रक में बैठने के लिए ऐसी जद्दोजहद करनी पड़ रही। सपना बुबू एक ही है और हम लोग अभी कोई हल्द्वानी रुक गए, कोई देहरादून बस गए हैं, कोई दिल्ली बस गए हैं। तो अपने मामा के गांव का मतलब दर्शन कर लूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। चलो कॉलोनी ना सब तोड़ फोड़ कर दिया यहाँ। अच्छा, कितना परेशान में रोने दिशा। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुजर सिंह। गुजर सिंह, और ये खेत खोदने में लगे हो क्या? बोलो इसमें क्या करे बाब, ये पलटे लगा रहा है इसमें। ये मकान टूटे है सब बालू ने तोड़े। अच्छा, आप लोग की जाने के बाद यहाँ पूरा भालू का आतंक है। भालू का राज है। बाबा आदम के जमाने से है, जब से चाइना वॉर हुआ उससे पहले से है। अच्छा, तो 1962 में जब चाइना का वॉर हुआ। मैं पहुँच चुका हूँ अपने महल में, आज रात जो है मुझे यहीं बितानी है। धूप की इंतजारी कर रहा था मैं, टेंट वेंट पैक करता हूँ और मिलम ग्लेशियर की तरफ जा रहा हूँ मैं, और आज मिलम गाँव तक जाऊँगा शायद। देखो कहाँ तक पहुँचता हूँ आगे को, तैयारी करता हूँ मैं भी आगे चलने की, और आप लोगों को दिखाता हूँ फिर मरतोली गांव कैसे खंडहर के रूप में तब्दील है। अभी गांव के रास्ते से नीचे को जाऊँगा तो तब दिखाता हूँ। मरतोली गांव में जहाँ पर मैंने अपनी कैंपिंग करी थी वहाँ से आगे की तरफ मैं चल दिया, आप लोगों को दिखाता हूँ मरतोली गाँव। ये देख सकते हैं आप हर तरफ को सारे। अच्छा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। यहाँ गांव के बारे में बताएंगे कुछ आप? ये मेरा घर है। ये जिस घर में बता रहा था इस घर में कोई रहते हैं करके, ये इनका घर है, ये अंकल का घर है, ये जो यहाँ का मंदिर का धामी है ना। अच्छा, पुजारी जो अभी यहाँ देवी का जो मंदिर बनाया हुआ है, उन मंदिर के जो धामी है, जो पुजारी है, उनका घर है। ये लोगों ने यहाँ पर थोड़ा रहने लायक बना रखा है। विजय सिंह मरतोलिया। अच्छा, ये विजय सिंह मरतोलिया जी उनका घर है, मंदिर का श्री मेन पुजारी है। भूपेंद्र मरतोलिया। चलो बढ़िया, धामी का भाई, ये भी धामी का भाई। चलो बढ़िया, ये देखो ये गाँव में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर रहने लायक बना रखा है। ये गाँव के बारे में बताते हैं कि इस गाँव में कम से कम 400 से 500 मवास इस गाँव में है, और क्या कहते हैं 1962 की जब इंडिया और चाइना की लड़ाई, उससे पहले पूरे गांव बिल्कुल हरा भरा था, सारे घरों में लोग रहते थे यहां पे। उसके बाद जब 1962 की लड़ाई हुई तो बाद जब तिब्बत और इंडिया का जो व्यापार बंद हुआ, तो उसके बाद से यहां के गांव के लोगों ने पूरा जो है यहां से पलायन शुरू किया, क्योंकि यहां के लोगों का सारा व्यवसाय वही था कि ये व्यापार करते थे, यहां से तिब्बत और भारत का जो व्यापार होता था वो करते थे। तो उसके बाद जब वो व्यापार बंद हुआ तो सारे लोगों ने यहां से नौकरी पैसे के लिए यहां से प्लान शुरू किया, और अभी देखो गांव की हालत क्या है, पूरा गांव खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये अभी जब यहां पे नंदा देवी की पूजा थी तो यहां गांव के लोग आए हुए थे, एक दो दिन काफ़ी चहल पहल थी इस गांव में, लेकिन फिर पूरा सन्नाटा छाने वाला है गांव में, सारे लोग जाने लग गए। देखो अभी कहीं कहीं पर कोई लोग दिख रहे हैं, इन लोगों के यहां पर मकान है, लेकिन ये लोग भी यहां पर टेंट में रह रहे हैं सारे लोग, क्योंकि मकान रहने लायक यहां पर बहुत कम बचे हुए, इक्के दुक्के ही मकान हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। ठीक है फिर, ठीक है, हाँ मिलते हैं। हाँ, और ये यहाँ ऊपर जो मंदिर बना हुआ है यहाँ पर देवी मंदिर, वहाँ मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर में दिख रहे थे, आप कर रहे थे ना पूजा वहाँ? हाँ, ये वहाँ मंदिर के पुजारी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कमल सिंह राणा। कमल सिंह राणा जी, पूरे खंडहर नुमा गाँव मरतोली गाँव से बाहर आ चुका हूँ थोड़ा, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से मिलम ग्लेशियर की तरफ। मिलम ग्लेशियर की तरफ जाएंगे तो इसके सामने ही आपको बुर्फ गांव दिखेगा, जहां बुरफाल लोग रहते हैं। दिखाता हूं यहां से, दिख रहा है अभी सामने उधर दिख रहा है बुरफाल गांव। अभी यहां से करीब बुरफाल गांव 3 से 4 किलोमीटर है, और उस तरफ भी जा रहा हूं मैं अभी, आपको पूरा रास्ते का वीडियो भी, फिर उसके बाद बुरफाल गांव भी दिखाऊंगा। ये देखो रास्ता, ग्लेशियर तरफ को देखो, काफ़ी ट्रैकर से जा रहे हैं वहाँ को, पूरा मैट्रेस वेट्रेस जा रहे हैं, और देखो सारे ट्रैकिंग वाले बंदे लग रहे हैं। देख सकते हैं मिलम ग्लेशियर की तरफ जाने के लिए हमें भाई लोग मिल चुके हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा मंटू। मंटू भाई, और आप? राजू। राजू भाई, और आप? मनोज। मनोज, और आप? मेरा नाम रूपराम। रूपराम, ये देखो सारे लोग उस तरफ ही जा रहे हैं, अभी कहीं ट्रैक में जाओ तो साथी तो रास्ते में मिल ही जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर मैं इनका नाम भूल जाऊंगा, फिर पूछूंगा, क्योंकि मेरे को नाम भूलने की तो बड़ी खतरनाक आदत है, मेमोरी पता नहीं, मेमोरी सिस्टम मेरा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी किसी के नाम याद नहीं रहते मेरे को।
मरतोली गांव के बिल्कुल जड़ में पहुंच चुके हैं हम, जहां पर नीचे नदी दिख रही थी ऊपर टॉप से। पर देखो एक गाड़ी आई हुई है और उसमें बैठने वालों की देखो कितनी भीड़ लगी हुई है यहां पर। को असली में जो है गाड़ियां नहीं चलती हैं, ये जो है बीआरओ की या आईटीबीपी की कुछ गाड़ियां हैं यहां पे, जो यहां पे अभी रोड का काम कर रही हैं। अब मैं पहुँच चुका हूँ पुल पर, जो नीचे पुल दिख रहा था और पुल के पास में ही गाड़ी खड़ी थी। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ बैठने वालों की कैसी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और गाड़ी की हाइट इतनी होती है देखो, सामान देने में ही इतनी दिक्कत हो रही है तो बैठने में कितनी दिक्कत होगी ये सोच सकते हो आप लोग। और गाड़ी में बैठने के बाद भी रोड इतनी ख़तरनाक है यहाँ की, तो जान हथेली में रख के आपको गाड़ी में बैठना है। मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैं भी करीब 1-2 किलोमीटर गाड़ी में आया था, तो बहुत ख़तरनाक रोड है, ऊपर नीचे एक बड़ी खाइयाँ और रोड जो है बिल्कुल ट्रक के जाने के बराबर ही है। काफ़ी एक्सपर्ट और जिगर वाले ड्राइवर चाहिए जो यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। जैसे ट्रेन में बैठने की भीड़ लगी रहती है, यहाँ पर ट्रक में बैठने की भीड़ लगी हुई है ऐसे। सारे देखो लेडीज, इतने बुजुर्ग लोग सारे ट्रक में जाने, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ से। ये देख सकते हैं, आपने कभी सोच सकते हो आज के युग में ट्रक में बैठने के लिए ऐसी जद्दोजहद करनी पड़ रही। ये देखो आप, ट्रक की हाइट इतनी ज़्यादा होती है, किस ढंग से चढ़ना पड़ता है ट्रक में। ये है रियल लाइफ पहाड़ों की, पैदल चलने में तो मेहनत है ही है, अगर गाड़ी भी मिल गई तुम्हें तो उसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। एक डंपर था, वो एक डंपर में जो है कम से कम 60 से 70 लोगों ने जाना है, और उनके पास इतना लगेज भी है सभी लोगों के पास, क्योंकि सारे लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए थे, तो सारे टेंट स्लीपिंग बैग सारी चीज़ें लेके आए थे। क्योंकि सामने देख सकते हैं आप जो ट्रक में बैठ रहे थे लोग, ट्रक जाने लग गया यहाँ से, और यहाँ से व्यू देखो यार कितना बढ़िया व्यू है। जो ये टापू दिख रहा है, इस टापू के ऊपर ही जो है मरतोली गाँव है, इसमें वहीं से आया मैं अभी ऊपर से नीचे को। बुर्फ गाँव के पुल के पास में ही यहाँ पर एक दुकान है, उसके पास में पहुँच चुके हैं हम लोग। और ये देखिए, ये है बुर्फ गांव का पुल, इसके उस तरफ ये जो पहाड़ देख रहा है, इसके पीछे बुर्फ गांव छुप गया, और इसके यहीं पर ही को जो है एक रेस्टोरेंट है, जो चाय नाश्ता की वो है दुकान यहाँ पे। यहाँ पे सारे लोग चाय नाश्ता करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के ट्रैक में कहीं कहीं पर ही 4-5 किलोमीटर के बाद में ही कहीं पर चाय नाश्ता की ऐसी दुकानें हैं। आपका रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पर देखो बिल्कुल लकड़ी में और कढ़ाई में मैगी बन रही, और इन भाई साहब का ये यहाँ पर रेस्टोरेंट। आपका सब नाम क्या है? मंगल सिंह। मंगल सिंह, और ये भाई साहब का आपका नाम क्या है? चंदू बरफाल। चंदू बरफाल, ये यहीं के बर्फी गांव के लग रहे हैं मेरे को, पीछे बुर्फी गांव के हैं। अभी बुर्फ गांव के यहाँ पर ही जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बैठे हुए हम, यहाँ पर अल्मोड़े के मेरे को एक सर मिल के मिलाता हूँ आपको। आपका क्या नाम है, शुभ नाम आपका? चंद्र सिंह मरतोलिया। ये चंद्र सिंह मरतोलिया, आप गाँव तो आपका मरतोली में होगा ना? हाँ, मरतोली बेस गाँव हमारा मरतोली में है। अभी वर्तमान में हम लोग सब, हम भाई बंधु, हमने ब्रदर सब एक ही परिवार के, हम लोग सब, हम सबका बुबू एक ही है सबका, इतने लोग आए हैं यहाँ पर। हाँ। सबका बुबू एक ही है, और हम लोग अभी कोई हल्द्वानी रुक गए, कोई देहरादून बस गए हैं, कोई दिल्ली बस गए हैं अब, लेकिन हम अभी पूरा यूनिट है कि हम अभी इष्ट देवी नंदा देवी जो है हमारी कुल देवी है, उसकी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और आज हम अपने ये गाँव जोहार जिसे कहते हैं, मतलब जोहार तो पूरा ही इलाका जोहार का ही हुआ है, उस वाले अलग गाँव है, मरतोली है, बुरफू है, ब्रिजवाल है, बिल्जू है, गनगर है, पाछू है। तो आज हमारे कुछ यंग ब्लड यंगस्टर्स जा रहे हैं वहाँ हिमालय बेस कैंप में, और हम लोग आज रात रुकेंगे बिल्जू में, कल जाएंगे मिलम। और ये सर जी रहते हैं अल्मोड़ा खत्याड़ी में अपने इंदिरा कॉलोनी, वहाँ पे, और लोग से मिलाता हूँ हमारे ब्रदर लोग। और सर आपका नाम? मेरा नाम भवान सिंह रावत, वर्तमान अभी हम जो है देहरादून में रहते हैं, और हम अभी नंदा देवी बेस कैंप जा रहे हैं। कल हम लोग मरतोली में थे, बड़ा आनंद आया, वहाँ पे नंदा देवी का उद्घाटन मंदिर का था। और आपका नाम सर? नाम बलवंत सिंह मरतोलिया। हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ मरतोली आए थे, मरतोली में पूजा करने के बाद हम लोग नंदा देवी बेस कैंप जा रहे हैं, कल हमारी वापसी होगी। और आपका सर? मैं सुंदर सिंह मरतोलिया, यहाँ नंदा देवी पूजा में आए थे, मैं मिलम ग्लेशियर की तरफ जा रहा हूँ। और आप सर? मैं कैलाश मरतोलिया, देहरादून से आया हूँ, वहाँ पर मरतोलिया गांव में पूजा थी उसके लिए, अब हम जा रहे हैं नंदा देवी बेस कैंप। और आप सर? मैं पृथ्वीराज सिंह मरतोलिया, मैं अभी फिलहाल दिल्ली से हूँ, दिल्ली रह रहा हूँ, और अभी मरतोली
और मिलम ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी अब इन लोगों के साथ हो लेता हूँ। अब अकेले नहीं हूँ, बहुत सारी टीम बन गई अपनी, सारे लोग जाते हैं यहाँ से आगे को। बुर्फ गांव में चाय मैगी खा के हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी यहाँ से आगे को। यहाँ पर जो है मैगी का रेट जो है 50 रुपये की एक मैगी है और चाय जो है 20 रुपये की है यहाँ पे। मैंने कहा यार इतना बढ़िया मौका मिल रहा घूमने का तो इसको मिस नहीं करना है, तो मैंने भी अपना प्लान यहाँ से मिलम गाँव की तरफ नहीं जाके नंदा देवी बेस कैंप की तरफ मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, और मैं यहाँ पर से आपको रास्ता दिखाता हूँ। आप लोग अगर जब केवल मिलम और मिलम ग्लेशियर जाना चाहोगे तो भी है, इसीलिए हमने ये वाला रास्ता यहाँ से चुन लिया कि यहाँ से शॉर्ट भी है हमारा और दोनों जगहों की यात्रा भी हो जाएगी। नंदा देवी बेस कैंप जाने के लिए जब आप बुर्फ गांव से आगे को जाओगे तो यहाँ से अगला स्टॉप है पांचू जो है यहाँ पे, यहाँ से 6 किलोमीटर है। वहाँ पर पर्यटक आवास गृह भी है, यहाँ पर बोर्ड लगा रखा उन्होंने 6 किलोमीटर पांचू, और वहाँ पर कुमाऊं मंडल वालों का रहने की व्यवस्था भी है अगर आप लोग अपना टेंट वेंट लेके नहीं आ रहे हो तो। बुर्फू गांव से हम थोड़ा आगे मापा गांव में, देखो यहाँ पर गेट बना के रखा हुआ है कैसे हमें घुस के जाना पड़ रहा है यहाँ से आगे। बस ये सामने ये जो दिख रहा है ये है मापा गांव, ये बुर्फू से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी में है। अच्छा मरतोली गांव के आप हो सर यहीं से? मैं तो यहाँ मुंशियारी का हूँ, ये मेरे मामा लोगों का गांव है। अच्छा, कल आए थे मरतोली में फंक्शन में, तो बुर्फू में आज पूजा था, मैंने वो बाकी साथ में लोग थे तो यार मैं बोला तो आप लोग चले जाओ बुर्फू, मैं जरा अपने मामा के गांव का मतलब दर्शन कर लूँ क्योंकि मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। चलो बढ़िया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम सिंह पांगती। प्रेम सिंह पांगती, देख सकते हैं यहाँ के गांव में सारे लोग जो हैं कल पूजा के चक्कर में आए हुए हैं, नहीं तो ज़्यादातर गांव यहाँ खाली हैं अभी, कोई इक्का दुक्का लोग ही किसी गांव में रहते हैं, यहाँ पर ये लोग रहते जाए। एक आंटी दिख रही नीचे, नमस्कार चाची, ये देखो ये लोग रहते हैं यहाँ पे मापा गांव में। अच्छा ये देखो ये कह रहे हैं यहाँ, हाँ क्या कह रहे हो आप? देख सकते हैं आप लोग गांव का जीवन कितना रिस्की है और किस ढंग से लोग जीवन व्यापन करते हैं अपना। ये लोग यहां पर घर में सामान वामान रखते हैं और भालू आता है और भालू इनके दरवाजे तोड़ के सारे छत तोड़ के सारा सामान इनके खाने की चीज़ें खा जाता है और काफ़ी नुकसान भी करके जाता है। और ये कूट कहते हैं इसको। अच्छा ये कूट, हाँ ये क्या काम आता है कूट? ये पेचिस में आता है। अच्छा जब पेट खराब हो तो तब काम आता है, तब काम ये। और ये जो पतले वाले जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये जिम्बू है। ये जो पत्ते ये दिख रहे हैं ये जम्बू के पेड़ हैं, ये देख सकते हैं जो पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये किस चीज़ की खेती करते हो आप यहाँ? किस चीज़ की खेती करते हो? उगल आलू, काला जीरा, हाँ ऐसा ही है। ये जम्बू गनरेन भी तो हो रही है यहाँ पे? हाँ जम्बू गनरेन सब होते हैं यहाँ।
चलो बढ़िया। अपने खाने के लिए बोते हो या बेचने के लिए भी? हाँ ज्यादा हुआ तो बिकते है और कम हुआ तो अपने। आप यही मापा गांव के हो आप? हाँ मापा गांव के। अच्छा कितने लोग रहते हो आप यहाँ गांव में? 10-12। 10-12 लोग। हाँ बढ़िया। गांव के आगे एक चाचा खेत खोदने में लगे हैं, आपको मिलाते हैं उनसे। चाचा नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुजर सिंह। गुजर सिंह, और ये खेत खोदने में लगे हो, क्या बोल रहे हो इसमें? क्या करें बाबू, ये पलटी लगा रहा है सुबह। हैं? पलटी लगा रहा है। पलटी लगाना है? हाँ पलटी पलटी। पलटी वो क्या होता है? जो नीचे एक गांव दिख रहा है जिसमें सारे घर टूटे हुए हैं, ये कौन सा गांव? ये भी मापाई का ही है। अच्छा ये भी मापाई गांव है। जो ये मकान टूटे हैं सब भालू ने तोड़ा है। अच्छा आप लोग की जाने के बाद यहाँ पूरा भालू का आतंक? भालू का राज चलता है, मकान तोड़ना शुरू और जितना अनाज पानी जो भी बचा है बस सारा साफ खाना शुरू सब खत्म कर देता है वो बस। मतलब आपकी खेती भालू के लिए होती ज्यादा? नहीं हम जो खेती करते हैं तो सारा सब नीचे ले जाते हैं। अच्छा सब लगाते हैं हम लोग, 1200 रुपए किलो ये जाते हैं। अच्छा और गंदरेणी? गंदरेणी यही होता है। वो कितने रुपए किलो जाता है? वो भी 1200 रुपए किलो वो भी जाता है। हो जाता है। और जो ये काला जीरा है? ये काला जीरा भी वही है। ये क्या रेट जाता है? वो भी वही रेट है। चलो बढ़िया। मापा गांव से करीब आधा किलोमीटर आगे आए हैं हम अभी, और यहाँ पर मापा झरना है एक प्रसिद्ध, दिखाता हूँ आप लोगों में। ये देख सकते हैं यहाँ से मापा झरना नीचे गिर रहा, काफ़ी हाइट है इसकी। असली में गोप्रो में जूम नहीं हो पाता, नज़दीक करके नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं तब। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा स्लाइडिंग वाला रास्ता है की तरफ जाते हुए। अभी हम लोग पाँचों गांव से कुछ 1-1.5 किलोमीटर पीछे हैं, और ये देख सकते हैं सारे लोग अभी थोड़ी देर में पाँचों गांव पहुँचने वाले हैं। बहुत लंबा चौड़ा बुग्याल है, और सामने ही यहाँ से मिलम गांव भी दिखने लग गया। अभी पाँचों गांव के हम नज़दीक में ही हैं, वहाँ की एक आंटी हैं, उनसे मिलाता हूँ। पूरा जोहार है। हाँ जोहार वैली, कोई पर्टिकुलर नहीं, जोहार वैली। जोहार वैली यहाँ तो हमारे बाबा आदम के जमाने से है, जब से चाइना वॉर हुआ उससे पहले से है। अच्छा। तो 1962 में जब चाइना का वॉर हुआ मतलब, तो हमारा यहाँ हम लोगों का जो है रोजगारी ये था उससे पहले, 62 से पहले ना। हाँ। तो जब तिब्बत चाइना में चले गया। हाँ। तो क्या हुआ, हमारा रोजगार बंद हो गया। हाँ। तो तिब्बत के साथ जो है हमारा सोना सुहागा नमक का व्यापार चलता था। अच्छा ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ, चाइना वार हुआ, तिब्बत चाइना में चले गए, बेरोजगार बंद। उससे पहले भेड़ बकरियाँ से व्यापार चलता था, तिब्बती लोग हमारे यहाँ आते थे, हम लोग व्यापार करते थे उनके साथ, एक्सचेंज जट लाइक एक्सचेंज। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने आवाज़ उठाया। अच्छा। हमसे पहले वालों ने कि भाई असली रोजगार तो वही है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है। सही। हमको जो है कुछ सुविधा दे दी जाए। तो फिर जस्ट लाइक रिजर्वेशन 1962 में हमको रिजर्व किया गया, शेड्यूल ट्राइब में घोषित किया गया। फिर हमारे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो तब तक भी हमारे जो मेरे हम उम्र या उससे पहले वाले उनके जो मदर फादर सब भेड़ बकरे वाले, कोई नौकरी वाले नहीं, तो हमारे सब भाइयों बहनों ने जो है बहुत कोशिश करी पढ़ाई लिखने करने के, मतलब काफ़ी कोशिश किया। तो आज हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे पोस्ट में है, मतलब 62 के बाद के ना अच्छे अच्छे पोस्ट में। तिब्बत तो बंद हो गया। अब क्या है कि अब लोगों का जो है ना माइग्रेशन, पहले हमारे यहाँ क्या होता था, माइग्रेशन होता था। माइग्रेशन माने जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये मई चैत का महीना कहते हैं पहाड़ में ना। हाँ, चैत का। तो मई के महीने में हम हमारे जो है सब भेड़ बकरे के साथ यहाँ, उनको क्लाइमेट भी सूट नहीं करता था। फिर यहाँ इन्होंने जो है चैत वैसा चैत, अभी नंदाष्टमी होती है अभी हमारे यहाँ सितंबर में। हाँ। तो नंदाष्टमी तक उन्होंने यहाँ एक हमारे यहाँ ब्लैक जीरा वो कहते हैं थोया, जस्ट लाइक ब्लैक जीरा, ब्लैक जीरा। हाँ, आगे पेड़ देखे थोया, गंदरानी, कुटकी, कीट, भूज, अब वो तो और बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ ये चीज़ें होती, जड़ी बूटियों का गढ़ है हमारे यहाँ। तब हम इधर को आ गए, नीचे को फिर गए हम पलायन, नीचे नीचे को। अभी प्रेजेंट में कहाँ क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो? मैं हल्द्वानी में रहती हूँ, मैं रिटायर्ड बैंकर, सेंट्रल बैंक में मैनेजर रिटायर्ड हूँ। और अभी मुंशारी में अभी हमारा घर है। और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। श्रीमती प्रेमा पंचपाल, रिटायर्ड मैनेजर सेंट्रल बैंक। बढ़िया। साथ में आपके कौन है? ये मेरा भतीजा है। ये इनके भतीजे भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? लवराज। लवराज, चलो बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आंटी से मिलके, इन्होंने यहाँ के बारे में हमें काफ़ी जानकारी भी दी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। गनघर जिला पंचायत यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ से आगे को। अब गनघर में पहुँच चुके हैं हम, और सामने दिख रहा पाँचों गाँव, ये पाँचों गाँव हैं, और ये है गनघर।
और आज हम लोग रुकने वाले हैं घनघर में ही, क्योंकि यहाँ से जो है नंदा देवी बेस कैंप के लिए यहाँ से भी रास्ता है, दोनों गांव से है रास्ता, हमारा यहीं से जाने का प्लान है। इसी गांव में रुकते हैं। देखो सारे गांवों की तरह इस गांव में भी ऐसे ही खंडहर वाले ज़्यादा घर हैं, कुछ घरों में ही लोग रह रहे हैं यहाँ भी। ये देखो शुरुआत में ही यहाँ पे मकान एक टूटा हुआ, देखो यहाँ कुछ लोग रहते होंगे शायद यहाँ पर, एक जगह पे सौर ऊर्जा का प्लेट लगी दिख रही तो यहाँ पर रहते होंगे लोग। ये देखो सारे मकानों की यहाँ भी हालत खस्ता है देखो, लेकिन मौन है यहाँ, यहाँ शहद होता होगा, खूब मौन भिन भिन आ रहे हैं खूब सारे। ये घनघर जो गांव है नंदा देवी बेस कैंप जाने के लिए, ये सबसे लास्ट गांव है, इसके बाद ऊपर को कोई भी गाँव नहीं है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ अंकल जो रहते हैं उनसे मिलाते हैं आपको। नमस्कार अंकल। नमस्कार। आप यहीं घनघर से हो? घनघर से। बढ़िया, ये अंकल हैं यहाँ जो घनघर में रहते हैं। और आप यहीं रहते हो परमानेंट? ना ना, परमानेंट मेरे बुबू रहते हैं, जगत सिंह। अच्छा, आपके बुबू रहते हैं? तो 20-25 साल बाद आ रहा। अच्छा, 20-25 साल बाद आ रहे हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अभी ऐसे ही दिख रहे हैं, जो अभी यहाँ जो नंदा देवी का मंदिर बना है उसका उद्घाटन के, उससे कुछ लोग ही रहते हैं यहाँ गाँव में। अल्मोड़ा रहते हो आप? अल्मोड़ा कौन सी जगह रहते हो आप? वहीं खत्याड़ी। अच्छा, ये खत्याड़ी रहते हैं, हमारे शहर के ही अल्मोड़े, क्योंकि इस साइड के लोग ना, हमारे अल्मोड़े में बहुत लोग रहते हैं। ये अभी हम घनघर में, ये अंकल रहते हैं घनघर में। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जगत सिंह गनेड़िया। जगत सिंह। बढ़िया। मैं पहुंच चुका हूं अपने महल में, आज रात जो है मुझे यहीं बितानी है। चाहता हूं मैं अंदर, असली में इसमें दरवाजे वरवाजे नहीं है, पूरा टूटा टाइप का मकान है पूरा, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा अंधेरा। हो सकता है इसके अंदर जानवर वानवर भी हो सकते हैं यार। और यहाँ पर सोने की सोच रहा हूँ मैं, यहाँ पर लगाता हूँ टेंट में अपना।